बेटा ये नया टॉपिक है क्लास 12th का, इसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, देखिए बोर्ड पे मैंने लिखा है बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायो इंजीनियरिंग, ऐसा तमाम नाम देते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का या उनके प्रोडक्ट का लार्ज स्केल पर या इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल होता है। तो अगर आप इसकी डिफिनेशन देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सी डिफिनेशन में सबसे सरल सी डिफिनेशन लिख रहा हूं, ये देखिए डिफिनेशन ये है कि यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये देखिए प्लांट्स, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट at industrial scale and services useful for human beings। ये देखिए, तो ये एक सिंपल सी डिफिनेशन है। बायोटेक्नोलॉजी में हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम लोग करते क्या हैं कि प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग यूज करते हैं, उनके प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे बनाते हैं जो मनुष्य के लिए मतलब फायदेमंद हो। किसका किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इस चैप्टर में आप देखेंगे किस तरह से हम लोग बैक्टीरिया वगैरह से इंसुलिन बनाते हैं। प्लांट्स का पीटी कॉटन वगैरह बनाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं। एनिमल्स का ट्रांसजेनिक माइस बनाते हैं, ट्रांसजेनिक पिक्स बनाते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे उनके प्रोडक्ट का स्केल डेवलप प्रोडक्शन करते हैं और फिर वो सारी जो प्रोडक्ट होते हैं वो ह्यूमन के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके लिए एक डिफिनेशन EFP ने दिया है। अगर EFP का फुल फॉर्म देखें तो EFP जो है, इसका पूरा नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये खास तरह की एक वो है, मतलब एक कंपनी है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसने अगर आप देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी में इसका जो है डिफिनेशन एक्सप्लेन किया गया है। वो भी डिफिनेशन जो है, जो मैंने ऊपर डिफिनेशन लिखी है, वो इस EFE का डिफिनेशन का सिंपलर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? सिंपलर फॉर्म है। तो मतलब मैंने जो ये जो डिफिनेशन एनसीईआरटी में, उसी का सिंपल फॉर्म लिखा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और जो है एनिमल्स हो गए, और उनके प्रोडक्ट को जो है हम ह्यूमन बींग्स में जो है इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बींग्स के प्रॉफिट के लिए। इसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो पॉल बर्ग का आता है। ये एक साइंटिस्ट है, पॉल बर्ग एक साइंटिस्ट है। 1980 में, ये देखिए 1980 में इन्होंने अपना काम किया था। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि फादर ऑफ इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका मतलब इन्होंने कुछ किया होगा तभी इनका नाम फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग रखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर ऑफ एक वायरस है जिसका नाम सिमियन वायरस है। ये देखिए, ये वायरस है जिसका नाम सिमियन वायरस 40 है। ये SP40 कहते हैं, SP40-60 भी कहते हैं। ये देखिए सिमियन वायरस 40, ट्रांसफर ऑफ, ऐसे लिख लें जीन्स। सबसे पहले इन्होंने इसके जीन्स को ट्रांसफर करने की टेक्निक ढूंढी थी, मतलब सिमियन वायरस के जीन्स को ट्रांसफर करने की टेक्निक, सिमियन वायरस के जीन्स की ट्रांसफर करने की टेक्निक जो है पॉल बर्ग ने ढूंढी थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा नाम देखें, ये देखिए, ये वैज्ञानिक है जिनका नाम है हर्बर्ट कोहेन। ये आपको नाम एनसीईआरटी मिल जाएगा, हर्बर्ट कोहेन है। और एक दूसरा नाम है जिनका नाम बेयर है, ये दोनों नाम आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे। ये देखिए, ये एनसीईआरटी में नाम है, इसलिए आपको एटलीस्ट ये तो याद करना ही पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट प्रिपेयर
ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रिपेयर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया था, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ये देखिए कैसे बनाया था, अगर आप इस बात को समझें तो इन्होंने कैसे बनाया था आप ये देख लें। पहले एनसीईआरटी की बात लेते हैं, देखिए दे फॉर्म दे ट्रांसफर एंटीबायोटिक जीन इनटू कहां पे बेटा, जीनोम ऑफ सेल्मोनेला टाइफियम। अगर आप उसमें पूछू ये किसका सेल्मोनेला टाइफियम, ये अगर आपसे मैं कहूँ ये क्या है तो आप कहेंगे सर ये बैक्टीरिया है, इस सेल्मोनेला टाइफियम बैक्टीरिया जिसे टाइफाइड होती है। इसके मान लीजिए अगर ये बैक्टीरिया है तो ये इस बैक्टीरिया का क्या है बेटा, प्लाज्मिड है। क्या है, प्लाज्मिड है। इसी प्लाज्मिड पर, इस प्लाज्मिड का पूरा नाम टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड कहते हैं क्योंकि इसमें एक जीन है जिससे ट्यूमर होता है। पूरा नाम अगर देखें तो इसका नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का मतलब हुआ वो प्लाज्मिड जिससे ट्यूमर होता है, इसलिए इसको टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। ये किसका प्लाज्मिड है, इसका प्लाज्मिड है सेल्मोनेला टाइफियम का। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसी प्लाज्मिड में किसी एक लोकेशन पे सबसे पहले एंटीबायोटिक जीन को ऐड किया था, मतलब पहला रिकॉम्बिनेंट जीन डीएनए इन्होंने बनाया था, इसलिए एनसीईआरटी ने इनका जिक्र किया है। फिर समझ लें, सेल्मोनेला टाइफियम के प्लाज्मिड पर इन लोगों ने, हार्वर्ड कोहेन और बेयर ने सबसे पहले एंटीबायोटिक जीन को ऐड किया था, इसलिए हार्वर्ड इस कॉन्सेप्ट को हम लोग, मतलब सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, इसलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है एक्चुअली, अगर आप देखें ये देखिए, ये इसकी छोटी सी एक हिस्ट्री है जो मैंने आपको बता दी है। अगर आप हिस्ट्री को और आगे पढ़ाएं, सीखने का प्रयास करें, तो अगर आप स्टेप्स देखें, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कितने स्टेप्स हैं, तो ये देखिए सबसे पहला होता है, मैं स्टेप पूरी लिख देता हूँ फिर बात करता हूँ। ये स्टेप्स शुरू में नहीं लिखे गए हैं, थोड़ा सा आज जब आप आगे चलेंगे जहां पर स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिखा है वहां पर आपको मिल जाएगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए आपने सबसे पहले लिखा, सबसे पहले किसी सेल से जिसका आपको प्रोडक्ट बनाना है वहां से डीएनए को निकाल लेते हैं। अगर आप इसका फिगर देखें तो मैं आपको एक सिंपल सी फिगर बना के दिखाता हूँ। ये देखिए एक सेल है, ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, ये इसका डीएनए है, ये देखिए। तो हम सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, इसका डीएनए निकाल के बाहर कर लेते हैं। ये देखिए, मतलब अगर आपसे मैं पूछूं किसका डीएनए है तो आप कहेंगे सर ये डोनर का है, डिजायर डीएनए कह सकते हैं। बल्कि आप ये ना कह के लिख सकते हैं सर ये डिजायर डीएनए है जिसपे हमको काम करना है। सबसे पहले हम डीएनए को निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम लोग वेक्टर के रूप में, दूसरी पेंसिल का बना देता हूँ, ये देखिए वेक्टर के रूप में हम लोग प्लाज्मिड ले लेते हैं। ये क्या है बेटा, ये प्लाज्मिड है, पहले इसका नाम ले लीजिए कि ये सर प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है कहाँ पे, बैक्टीरिया के अंदर। ये प्लाज्मिड क्या है कि मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर ये जो प्लाज्मिड है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये डीएनए सर्कुलर है। खास बात ये है, इसको लिया इसलिए जाता है कि ये ऑटोनॉमस रिप्लीकेटिंग है। ऑटोनॉमस रिप्लीकेटिंग मतलब ये हुआ, ऑटोनॉमस रिप्लीकेटिंग माने ये हुआ कि ये जब भी चाहेगा अपनी कॉपी फट से बना लेगा, इसके रिप्लीकेशन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना है, सर्कुलर है, ऑटोनॉमस रिप्लीकेटिंग है। तो ये डिजायर डीएनए सबसे पहले हमने इसको निकाल लिया। फिर देखिए आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा है डाइजेशन ऑफ डीएनए, दूसरा स्टेप है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, हम लोग इस एंजाइम को अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि ये कौन सा एंजाइम है, क्या करता है। हम दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, सिंपल सी आप कॉन्सेप्ट्स को समझें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखिए इस पर आप ऐसे कोई डीएनए लगा दें, यहां पर एक लगा दें,
एक खास तरह का आप यहाँ पर एंजाइम लगाएंगे जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये हम लोग अभी बाद में तय करेंगे। अभी किसी भी चीज को तय करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये समझिए ये डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ये इस डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स बना देता है। कैसे बना देता है, कैसे काम करता है, ये तो देखेंगे। अभी हम लोग तो ओवरऑल देख रहे हैं ना, ऐसे डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट बन जाते हैं। ठीक इसी तरह से जिस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से आप इधर सेक्शन काटते हैं, उधर उधर प्लाज्मिड में भी आप उसी से सेक्शन काटते हैं। अब ये देखिए आपने सेम लोकेशन पे डीएनए के सेक्शन काट दिए। ये जो प्लाज्मिड है इसे बेटा हम लोग वेक्टर भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा जिसे जो मलेरिया होता किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से फैलाता कौन है, मच्छर। तो अगर आप समझे ये मच्छर है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है। दूसरा देखिए जब आपने ऐसा कर दिया तो ये देखिए आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। अब हम इसी डिजायर्ड जीन को, जिस जीन से हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस जीन को लोग निकाल लेते हैं, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। इसके लिए एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं कि वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो सबसे पहले डीएनए को निकालते हैं, फिर उसके सेक्शन काटते हैं, फिर डिजायर्ड जीन निकालते हैं। मान लीजिए हमारा ये जीन है जिसकी हमको कॉपी बनानी है। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग एक एंजाइम लगाते हैं जिस एंजाइम का नाम डीएनए लाइगेज है। ये देखिए ये डीएनए लाइगेज है जो फास्फोडाइस्टर बांड बनाता है। ये हमारा प्लाज्मिड था, ऐसे आप बना लीजिए कि सर ये हमारा क्या था, ये हमारा प्लाज्मिड था, ये वाला जो था ये हमारा क्या था, प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड था। आपने इसमें ले आके किसको जोड़ दिया, आपने इसमें ले आके डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया। ये देखिए किसको जोड़ दिया, डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया। जब आपने इसमें डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया तो प्लाज्मिड में आपने डिजायर्ड जीन को जब जोड़ दिया तो अब आपने इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा। कौन सा डीएनए कहा, इसे आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब जिस डीएनए का फिर से रिकॉम्बिनेशन हुआ है, या इसी को आप आर डीएनए कहते हैं। तो अगर आपको यहां लिखना होगा तो क्या करेंगे, अगर आपको यहां लिखना होगा तो नेक्स्ट है ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर आप देखें तो ये चौथा स्टेप है। तो अगर आप देखें पहला स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप यहां पर है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा स्टेप यहां पर है डिजायर्ड, मतलब जब हम डीएनए की सेक्शन काटते हैं, तीसरा डीएनए ये है जब डिजायर्ड जीन हम निकालते हैं, चौथा स्टेप ये है जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। टोटल स्टेप कितने हो गए, चार। पहला हमने डीएनए को निकाला, दूसरा हमने डीएनए के सेक्शन काटे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के, तीसरा हमने डिजायर्ड जीन बाहर किया, चौथा हमने डीएनए को फिर से जोड़ दिया, पांचवा देखिए ये देखिए ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब ये जो डीएनए था, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, इसको हमने होस्ट सेल के अंदर भेज दिया। अगर आपको ये बात सीखनी है तो आप इसे बनाइए। ये देखिए ये होस्ट सेल है, इसका नाम क्या है, इकोलाई है। अब ये इकोलाई क्या है, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसलिए आप अगर यहां देखें तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा गया है, इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये जो जीन है, ये जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब इसको हम इसके अंदर भेज देते हैं। जब हम इसके अंदर भेज देते हैं तो ये देखिए ये बन गया, ये हमारा स्टेप नंबर कितना हो गया, 5। ये देखिए 5 नंबर का स्टेप हो गया। पहला हमने डीएनए को बाहर किया, दूसरा हमने डीएनए के सेक्शन काटे, तीसरा प्लाज्मिड का भी सेक्शन काटा, फिर दोनों को डीएनए को जोड़ दिया, फिर इस डीएनए को उठाकर सेराइचा कोलाई की सेल के अंदर भेज दिया। कितने स्टेप हो गए, 5। छठवा देखिए, ये देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ होस्ट सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ
एंड प्रोडक्शन ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऐसे कर सकते हैं, एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन। लगातार आप ये जो एसेराइचिया कोलाई है ये कॉपी करना शुरू करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसेराइचिया कोलाई कितने देर में डिवाइड होता है, आप कहेंगे सर ये एसेराइचिया कोलाई 2 मिनट में, 20 मिनट में डिवाइड होता है। तो अगर 20 मिनट में एसेराइचिया कोलाई डिवाइड होगा तो ये देखिए इसके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, ऐसे दो सेल बन जाएंगी, प्रोडक्ट नहीं कह सकते हैं। और इन दोनों सेल्स में आपको वो जो आपका जीन जो एक था, अब वो जीन आपको दो दिखाई देना शुरू कर देगा। अब जीन कैसे प्रकट करता है, ये जो जीन है डीएनए का सीक्वेंस है, और डीएनए के सीक्वेंस में जो है उससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए लास्ट प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल, ये इसका लास्ट स्टेप है। अब हम क्या करते हैं, बायोफर्मेंटर्स लगा देते हैं और इस तरह से जो भी जीन है, जो भी प्रोडक्ट हमको चाहिए, उसका हम लोग बड़े स्टेप पे, बड़े स्तर पे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो टोटल अगर आप स्टेप देखें तो कौन सा हो गया ये जरूर समझ लें आप। सबसे पहले डीएनए को डिजायर्ड डोनर सेल से निकालते हैं। ये कौन सी सेल है, इस सेल को हम लोग डोनर सेल कहते हैं। इस सेल से सबसे पहले डीएनए को निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम आपको सिखाएंगे। फिर डीएनए के सेक्शन काटते हैं रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से, प्लाज्मिड के सेक्शन काटते हैं रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से। फिर डीएनए में डिजायर्ड जीन को हम लोग ढूंढते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर इसके बाद इसको जोड़ते हैं डीएनए लाइगेज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर डालते हैं, होस्ट सेल बार बार मल्टीप्लाई करती है। इससे हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे बड़े स्तर पे, आपने यहाँ देखिए लिखा क्या है, इंडस्ट्रियल स्केल लिखा है, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम लोग बड़े स्तर पे इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। और फिर जब इनसे प्रोडक्ट बनते हैं तो उन्हें मार्केट में सेल करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें पूरी दुनिया में इंसुलिन, डायबिटीज के पेशेंट बहुत सारे हैं, तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, इंसुलिन आता है। इंसुलिन जो है इंजेक्शन में आता है, ये पहला जो है इंसुलिन जो है बायोटेक का एक प्रोडक्ट है, जिसका प्रोडक्ट को अगर आप आगे देखेंगे इस चैप्टर में, तो उस कंपनी का नाम इली लिली कंपनी था, अमेरिकन कंपनी थी, इली लिली कंपनी थी, उसी कंपनी सबसे पहले बनाया था। तो इंसुलिन कैसे बनाया जाएगा, इंसुलिन का जीन कहाँ पे है, इंसुलिन का जीन पैंक्रियास के बीटा सेल पे पड़ा हुआ है, तो हम उस जीन को सबसे पहले निकाल लेते हैं। अगर आप समझे इंसुलिन यही बना सकते हैं, देखे देखते डोनर सेल को आप पैंक्रियास की बीटा सेल मान लें, वहां से हमने डीएनए को निकाल के बाहर कर लिया, उस डीएनए पे हमने उसके सेक्शन काटे, इंसुलिन जीन को निकाल लिया, फिर इंसुलिन के जीन को हमने प्लाज्मिड से जोड़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको एसेराइचिया कोलाई सेल के अंदर भेजा होस्ट सेल के अंदर, और ये देखिए लगातार ये सेल डिवाइड होगी, वो जो जीन है उससे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, और इस तरह से इंसुलिन जो है एक बायोफर्मेंटर्स बड़े बड़े वेसल्स होती है उनके अंदर इनको डाल देते हैं, खूब बड़े स्तर पे इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। फिर उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी करते हैं। इंसुलिन जब बन के तैयार हो जाती है तो उसको एक्सट्रैक्ट करके, पैक करके मार्केटिंग कर देते हैं, और इस तरह से आजकल हम प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या उनके प्रोडक्ट का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो उसके प्रोडक्ट हैं वो इंसुलिन ह्यूमन के लिए फ्रूटफुल साबित हो, यूजफुल साबित हो। ऐसे ही बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, आप कभी आपके घर में अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट हो तो आप देखें जो वो डायबिटीज के जो इंजेक्शन लगते हैं उसमें लिखा रहता है फार्ड बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग, लिखा रहता है साफ साफ। तो अगर आप एनसीईआरटी में ये जो मैंने स्टेप लिखे आप कैसे याद करेंगे, एनसीईआरटी में जब आप स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, मेरी बात समझ लें, स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर कोई डर लग रहा है आप इसका लिख लीजिए कि इसका दूसरा नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी है। तो जब आप इसके स्टेप्स पढ़ेंगे तो उस समय आपको स्टेप्स में मैंने ये जितने लिखे हैं ये सारे एक तरफ से मिल जाते हैं, ये जितने भी आपने लिखा है। क्या क्या, डीएनए का आइसोलेशन, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट सेल एंड एक्सप्रेस ऑफ डीएनए, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, और फिर इस तरह से बड़े स्केल पर प्रोडक्ट को बना के मार्केटिंग करते हैं। ये 6-7 स्टेप है जो लगातार आपको पढ़ने हैं, इनके सिक्वेंस कभी कभी पूछे जाते हैं जो आपको याद करना चाहिए। मैंने एनसीईआरटी का एक पहला फिगर बना दिया, अब आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, कितने एंजाइम्स जो इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मिड की क्या खासियत बात है, डीएनए को कैसे हम लोग जो है सेपरेट करते हैं, मतलब बायोटेक में हम लोग पूरा टूल्स पढ़ते हैं,
बायोटेक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टूल्स पढ़ते हैं। तो टूल्स में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ लें, एंजाइम्स पढ़ लें, प्लाज्मिड पढ़ लें, वेक्टर पढ़ लें, कैसे सेल के अंदर भेजते हैं, ये सारी टेक्निक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक टेक्निक को अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट टेक्निक सीखते हैं। तो आइए देखते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, आरडीएनए बनाने का काम करते हैं, तो उसमें किस किस टूल का इस्तेमाल होता है। जैसे टूल माने आप समझ रहे हैं ना, औजार कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं, एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। जैसे अभी आपने सबसे पहला स्टेप क्या लिखा था कि सर देखिए पहला स्टेप ये है कि मान लीजिए ये कोई डोनर सेल है जिस सेल से हमको डीएनए को निकालना है। ये देखिए तो इस सेल से हमको क्या निकालना है, ये कौन से सेल कहेंगे, ये सेल है जिसे हम लोग डोनर सेल कह रहे हैं। अब इस सेल के अंदर कौन पड़ा है, ये हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसी पे हमको काम करना है। तो आखिर इस सेल से डीएनए को निकाल के बाहर लाना है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि डीएनए सीधे उछल के बाहर आ जाएगा, कि ऐसा हो सकता है भाई? ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये जो हमारा डीएनए है ये से उछल के बाहर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमको ये जो बाउंड्री है सेल के अंदर, ये जो एरिया है, उसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप के लिए हमको एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को निकाल के बाहर लाएगा। तो इन एंजाइम्स को हम लोग, जो एंजाइम्स इसे निकाल के बाहर लाते हैं, इन एंजाइम्स को हम लोग लाइजिंग एंजाइम्स कहते हैं। लाइजिंग एंजाइम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लिसिस करेंगे, मतलब ब्रेक करने का काम करेंगे, तभी तो एंजाइम्स बाहर आएंगे, वो डीएनए निकल के बाहर आएगा। तो अगर लाइजिंग एंजाइम्स पे देखें तो मान लीजिए फंगल सेल है, अगर हमको फंगल सेल से डीएनए निकालना है, फंजाई की सेल से निकालना है, तो हमको एंजाइम कौन सा लगाना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा कि सर काइटिनेज लगा देते हैं। ये देखिए अगर वो फंगल सेल उससे डीएनए निकालना है, कौन सी फंगल सेल, जैसे आप पढ़े हैं पेंसिलियम नोटेटम से पेंसिलिन बनती है, तो पेंसिलियम नोटेटम क्या है, फंगस। अगर उससे हमको पेंसिलियम नोटेटम का जीन निकालना है तो हमें कौन सा एंजाइम लगाना पड़ेगा, काइटिनेज, क्योंकि काइटिन क्या है, सेलवाल, जो फंगल सेल उसकी सेलवाल किसकी बनी है, काइटिन की, एंजाइम काइटिनेज लगाएंगे। अगर हमको मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, उससे हमको प्लाज्मिड निकालना है, तो बैक्टीरियल सेल से किसका एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, बैक्टीरियल सेल से इस्तेमाल करेंगे एंजाइम का लाइसोजाइम का। ये देखिए लाइसोजाइम का इस्तेमाल करेंगे तब ये डीएनए निकल के बाहर आएगा। लेकिन अगर किसी प्लांट सेल से हमको डीएनए निकालना है, मान लीजिए कोई प्लांट सेल है उससे हमको डीएनए निकालना है, तो प्लांट सेल से डीएनए निकालने के लिए हमको इस्तेमाल करने का एंजाइम सेलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए तो ये तीन एंजाइम्स है, किस सेल से निकालना है डिपेंड ये करता है, जिस सेल से भी निकालना होगा उन सेल्स पर इन एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हम डीएनए को निकाल के बाहर कर लेंगे। यही है कॉन्सेप्ट। अब दूसरी तरफ आप देखिए, ये हमारा प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये भी आप सीख जाए। ये हमारा प्लाज्मिड है, कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में। तो अगर आप इसके बारे में लिखना चाहें तो ये कन्फर्म कर लें कि एक तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सबसे पहली बात, सारी चीजें इसकी प्रॉपर्टी क्लियर कर लें ताकि बाद पे बवाल ना हो, नहीं आप बवाल कर लेंगे दिक्कत हो जाएगी। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, शॉर्ट में इसको डीएसडीएनए भी हम कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा, ये सर्कुलर है। सर्कुलर है मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। और तीसरी खास जो बात है जिसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ये ऑटोनॉमस रिप्लीकेटिंग है। ऑटोनॉमस रिप्लीकेटिंग है मतलब ये हुआ बेटा कि इसके रिप्लीकेशन पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, जब चाहेगा इसका रिप्लिकेशन हो सकता है। इसीलिए इस प्लाज्मिड का, ये जो प्लाज्मिड है, इसका इस्तेमाल हम लोग वेक्टर के रूप में करते हैं, वेक्टर के रूप में करते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा डीएनए है जिसको हमने सेल के निकाल लिया है, एंजाइम्स मैंने बता दिए ना। और उधर हमारा प्लाज्मिड है, उसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो सर्कुलर है, ऑटोनॉमस रिप्लिकेटिंग है, और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दोनों डीएनए है, लेकिन मतलब किसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये बात आप सीख लें। अब आप देखिए दूसरा एंजाइम क्या होता है। अगर आप दूसरे एंजाइम्स को देखें तो एक एंजाइम होता है एक्सोन्यूक्लिएज। ये शब्द है जो आपको सीखने हैं, मान लीजिए कहीं पूछा जाए तो आप फंस जाएंगे, एक्सोन्यूक्लिएज। और दूसरा एंजाइम होता है जिसे कहते हैं इंडोन्यूक्लिएज। हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। एक्सोन्यूक्लिएज और इंडोन्यूक्लिएज ये भी तो एंजाइम्स हैं, इनको भी आप सीख लें। तो अगर एक्सोन्यूक्लिएज तो मतलब इट कट्स डीएनए एट इट्स एंड, मतलब डीएनए को हमेशा ये किनारे पे काटता है। एक्सो शब्द ही बता रहा है कि डीएनए को कहां काटता है, ये किनारे काटता है। इट कट्स डीएनए
इट कट्स डीएनए एनीवेयर, कहीं भी कट कर सकता है, एनीवेयर एक्सेप्ट इंड। ये डीएनए को हर जगह कट कर सकता है लेकिन डीएनए को किनारे नहीं काटता है। मतलब अगर आप इधर फिगर बना ले तो ये देखिए एग्जोन्यूक्लियस है, ये इसे हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये इसको किनारे कट करेगा। लेकिन अगर डीएनए को किनारे को छोड़ के कहीं पर भी सेक्शन काट रहा है, यहाँ काट दे, यहाँ काट दे, यहाँ काट दे, तो इसे हम लोग इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो ये भी तो एंजाइम्स हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि डीएनए को किसी पर्टिकुलर साइट पर न काट करके रैंडम प्लेसेस पे काट देते हैं, इसलिए हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं भाई, अगर आपसे कोई एंजाइम्स पूछे तो आप फट से जवाब दे दें। एक चीज और है, यहाँ पर देख लें, एक एंजाइम होता है उसका नाम एल्कलाइन फास्फाटेज है, इसको एलाइजा में इस्तेमाल करते हैं। एल्कलाइन फास्फाटेज है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लास्ट में इसके क्या लिखा है, फास्फाटेज। साफ साफ बता रहा है कि अगर डीएनए है, इट कट्स डीएनए, इट कट्स डीएनए, इट कट्स डीएनए एट 5' फास्फेट इंड। फास्फेट 5' इंड जो है वहां पर डीएनए को ये कट करता है एंड प्रिवेंट रीसर्कुलाइजेशन। एंड प्रिवेंट क्या बेटा, रीसर्कुलाइजेशन, डीएनए को फिर से रीसर्कुलर नहीं होने देता है। इसका फंक्शन है, आपको आना चाहिए, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एलाइजा में। पूछा गया था पिछले साल, क्वेश्चन पूछा गया था, एलाइजा में इसका यूज करते हैं। एलाइजा टेस्ट होता है, इसका पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है। इसका टेस्ट किया जाता है एड्स के पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए। अब ये एंजाइम्स हैं, इसके बाद हमारा वो एंजाइम है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ये देखिए, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी में। एंजाइम का नाम देख लें, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ये खास तरह के एंजाइम है जिसको आपको अच्छे से सीखना है, समझना है, और बिना सीखे कल्याण नहीं है। एंजाइम का फिर से नाम देख लें, एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस नाम है इसका। ये एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। अगर आप देखें इसे हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। आपको इनको अच्छे से सीखना है, जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में कहीं भी लिखी हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी यहीं पर वेल देता हूँ, किसी तरह की गलती मत करिएगा। यहाँ देखिए, जब आप एनसीईआरटी में इसका सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर एक एंजाइम लिखा है, उस एंजाइम का नाम इकोआर फर्स्ट है। ये देखिए, इकोआर फर्स्ट एंजाइम है। अगर आप इस डीएनए के सेक्शन को काटने के बाद, जब डीएनए का सेक्शन काटते हैं तो आपको ये डीएनए दिखाई कैसे पड़ता है, पहले ये समझे आप। ये ऐसे डीएनए के सेगमेंट खुल जाते हैं इस तरह से, ये देखिए ऐसे डीएनए का सेगमेंट खुल जाता है। ये आप चाहे यहां लिख लें कि ये 3' है, ये इसका 5' है। डीएनए ऐसे ही खुला हुआ, एनसीईआरटी देख लीजिएगा। अब अगर आपने यहां पर लिखा कि ये जो सीक्वेंस है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है GAATC है, और बार लिख दे रहा हूं क्योंकि आप मन की आंखों से देख पाए, आपका भरोसा नहीं है, कभी कभी बैठे क्लास पर रहते हैं देखते कहीं और है, मैं कई बार ऐसा नोटिस किया है। ये डीएनए का सेगमेंट है डोनर सेल्स का। अब इधर देखिए, ये डीएनए का सेगमेंट है डोनर सेल का, उल्टा कर लिखा जाए तो GAAATC। एंजाइम कौन सा है, इकोआर फर्स्ट है, अभी लगाएंगे हम लोग, चिंता मत करिएगा। इसी तरह से अगर हम प्लाज्मिड देखें तो प्लाज्मिड मैं इस पेन से बनाया था, ऐसे मैं प्लाज्मिड बना देता हूं कि अगर आप प्लाज्मिड देखें तो इस तरह से देखें प्लाज्मिड, अगर आप तो इस तरह से प्लाज्मिड को आप पीछे ऐसे कर दें, मतलब हम प्लाज्मिड को समझने के लिए इस तरह से बना दे रहे हैं ताकि आपको किसी तरह से प्लाज्मिड समझ में आ जाए, क्योंकि चीजें आपको जल्दी समझ में नहीं आती। ये देखिए 5' है, 3' है, यहां पर भी आप देख लें कॉन्फिगरेशन वही है GAAATC। ये प्लाज्मिड पे कॉन्फिगरेशन है, इसका उल्टा अगर आप देख लें तो GAA, यहां देखिए GAAATC, इसका कॉन्फिगरेशन प्लाज्मिड पे इस तरह से है। अब हमने एंजाइम कौन सा लगा रखा है, दोनों तरफ हमने एक ही एंजाइम लगा रखा है, इकोआर फर्स्ट। ये इकोआर फर्स्ट जहां भी कट करेगा ए और जी के बीच में कट करेगा, तब आपको देखना पड़ेगा कि ए और जी है कहां। एक देखिए, ये यहां सेक्शन काट सकता है, ये एक यहां सेक्शन काट सकता है, ये एक यहां सेक्शन काट सकता है, और ये यहां एक सेक्शन काट सकता है। इकोआर फर्स्ट का पूरा नाम क्या है हम लोग देखेंगे, चिंता मत करें आप, बस पहले आप समझने का प्रयास करें कि इकोआर फर्स्ट हमेशा कहां कट करेगा, ए और जी के बीच में, जहां भी होगा उसके बीच के फास्फोडाइस्टर बांड को कट करेगा।
इसका मतलब यह हुआ कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेसेस जो है, ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेसेस जो है, दे कट, यहां लिख सकते हैं दे कट डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, ये डीएनए को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं, दे कट डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। दूसरी लाइन लिख सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, आपको हमेशा ये जो है किसी प्रोकैरियोटिक सेल से ही ये पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर है, ये प्रोकैरियोटिक सेल से ही पाए जाते हैं। अभी तक की जानकारी में पूरी बात लिख देता हूँ, 900 एंजाइम्स पाए गए हैं, पूरी जानकारी में अभी तक की जो जानकारी है उसमें 900 एंजाइम्स पाए गए हैं, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, पूरी बात मैंने इसमें फटाफट नोट कर दी ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो। अभी और भी बातें हैं एंजाइम के बारे में, एक बात और लिख लें ताकि बवाल ना रहे, दे कट पूछा जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये डीएनए में हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये डीएनए में कट करते हैं। ये देखिए दे कट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ये भी ले देता हूं किसी तरह से दिक्कत ना हो, दे कट डीएनए के कौन से सीक्वेंस को, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये कट करते हैं, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में किस सेक्शन को काटते हैं, अलग अलग ये स्पेशल है, मैंने अभी बताया कि अभी तक की जानकारी में कितने एंजाइम्स हैं, 900 एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से ये पाए गए हैं। जो फर्स्ट डिस्कवर था उसका हिंद सेकंड नाम है, पहले आप यहां देखें, अभी इसने हमने लगा दिया एंजाइम कौन सा, इक्वार फर्स्ट। अगर आप इसका नेक्स्ट फीचर देखें तो क्या हो रहा है, अगर आप इसका नेक्स्ट फीचर देखें तो आपको ये सेक्शन कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ जी के आगे सबको कट कर दिया, हमने कट किया या एंजाइम ने, एंजाइम में कट किया, तो जी के आगे ये डबल ए डबल टी सी नहीं रहेगा। अगर आप यही बात यहां देखें, नीचे की तरफ देखें, तो क्या स्थिति होगी, देखिए जी के सामने तो सी होगा, लेकिन सी के सामने क्या क्या चीजें हो सकती है, डबल टी होगा बेटा, डबल ए होगा, लेकिन बेटा जी नहीं होगा, क्योंकि ए और जी के बीच में से सेक्शन लगा दिया है। इसका उल्टा अगर आप दूसरी तरफ देखें तो स्थिति कुछ ऐसी होगी, ये देखिए इधर क्या होगा, जी तो नहीं होगा, तो बचेगा क्या, डबल ए, फिर एक बेटा डबल टी और सी बचेगा। नीचे की तरफ अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बचेगा, कहेंगे आप सर केवल जी बचेगा, और इस तरह से अगर आप देखें तो ये एंजाइम के सेक्शन ऐसे कट जाते हैं। ये देखिए, अब अगर आप देखें तो ये यहां इतना खाली है, यहां इतना खाली है, मतलब ऊपर जी के आगे ये जगह खाली है, और इस पर अगर आप इस चीज को ऐसे समझें तो ये देखिए ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है, इस तरह से ये वाला सेगमेंट बड़ा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है तो ये छोटा है, ये ऐसे इंट्स बनते हैं, इस तरह से हाफ एल टाइप के सेगमेंट बनते हैं। इन इंट्स को हम लोग स्टिकी इंट्स कहते हैं, ये जो इंट्स है इन इंट्स को क्या कहते हैं, स्टिकी इंट्स कहते हैं। ये देखिए ये स्टिकी इंट्स है। अब इन एंजाइम्स को जोड़ने के लिए, इन दोनों सेगमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग एंजाइम लगाते हैं, जिस एंजाइम का नाम डीएनए लाइगेज है। ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, दोनों के सेगमेंट को जोड़ देता है, किसके सेगमेंट के, ये कौन सा डीएनए है, अगर मैंने ये बात बहुत जल्दी हटा दी, लेकिन मुझे लिखना चाहिए था कि सर ये डोनर डीएनए है, ये कौन सा डीएनए है, डोनर डीएनए है, और ये किसका डीएनए है, प्लाज्मिड का है। तो अगर आप इसका सेक्शन अब बनाएं थोड़ा सा इसको अच्छा बना दें, इसमें काजल वगैरह लगा दें, सुंदर लगे ये देखने में, तो आप ऐसे देखिए आपने इसे डीएनए बना दिया इधर, ऐसे ये आपने इसे डीएनए के सीक्वेंस बना दिए। फिर आप देखिए अब होता ये है कि आपने इस तरफ यहां देखिए, अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर आपको केवल क्या मिलेगा, जी मिलेगा, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखें तो क्या मिलेगा, सी मिलेगा, डबल टी मिलेगा और डबल ए मिलेगा। ये किसका डीएनए है, ये डीएनए है किसका, डोनर का, जिसका सीक्वेंस आपने जोड़ा हुआ है, किसका सीक्वेंस है, डोनर का है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आपको यहां पर, सॉरी मैंने पेन का इस्तेमाल गलत कर दिया, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपने अब ऐसे इसको जोड़ रहे हैं आप, ये किसका है, ये है आपके किसका बेटा, प्लाज्मिड का डीएनए है, तो आप प्लाज्मिड का डीएनए इससे बना दें, यहाँ 3'-5' लिख दें, इसको जोड़ दें, तो डीएनए लाइगेज किसे जोड़ रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फिर से जोड़ दे रहा है, तो जी के आगे अब आपका मार्कर क्या चलेगा, आप यहां लिखेंगे डबल ए,
फिर क्या लिखेंगे यहां पर डबल टी। अगर मैं आपसे पूछूं यहां क्या हो जाएगा सी, ये ऊपर वाला ये सेगमेंट है और नीचे अगर आप देखें तो डीएनए पे ये सीक्वेंस हो गया जिसे आपने जी कहा। तो अब देखिए इस डीएनए को आपने कौन सा डीएनए कहा, ये डीएनए है जिसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ऐसे सीक्वेंस बनता है, मतलब पहले हम डोनर सेल से डीएनए लेते हैं फिर प्लाज्मिड को लेते हैं, दोनों पर सेम एंजाइम लगाते हैं क्योंकि सेम सेक्शन कटने हैं, फिर ये जो इकोआर फर्स्ट है ए और जी के बीच में किस पॉइंट को कट कर रहा है, ये इकोआर फर्स्ट ए और जी के बीच में कौन सा बॉन्ड कट कर रहा है, ये देखिए ये डीएनए में पड़े हुए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट कर रहा है, कट दे रहा है। फिर हमको क्या कर रहे हैं, इन इंट्स को हम लोग कौन से इंट्स कहते हैं, स्टिकी इंट्स कहते हैं, और ये स्टिकी इंट्स को बाद में डीएनए लाइगेज फिर से जोड़ देता है, डीएनए लाइगेज जब इनको जोड़ देता है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आगे चल के फिर से होस्ट सेल में भेजा जाता है। तो मैंने आपको इसके बारे में क्या क्या बताई, डीएनए की स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से पाए जाते हैं, 900 तरह के एंजाइम्स अभी तक खोजे गए हैं, 203 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से दे डीएनए के हमेशा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करते हैं, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को कट करते हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है क्या, ये देखिए अब आपको सीखना है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या है, ये स्टिकी इंट्स क्या है, इनको हम आपको सिखाते हैं। मतलब आपको ये बात सीखनी है, अगर आपसे कुछ पूछे फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा था, तो ये देखिए फर्स्ट डिस्कवर्ड जो एंजाइम था जिसे सबसे खोजा गया सबसे पहले उसका नाम हिंद थर्ड था। ये देखिए ये पहला डिस्कवर्ड खोजा गया एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसे सबसे पहले खोजा गया। आपके एनसीईआरटी में इसका भी फिगर बेहतरीन तरीके से सिखाया गया है। ये देखिए फिर से देख लीजिए, डीएनए निकाला जाता है, प्लाज्मिड को निकाला जाता है, दोनों के सेक्शन को खास तरह के रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, फिर उनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम लगाते हैं, डीएनए लाइगेज लगाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो इकोआर फर्स्ट लिखा है जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इस एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, हम आपको ये सिखाते हैं।